नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारत भवन भोपाल द्वारा आयोजित युवा आर्ट नाम से यह रंगारंग कार्यक्रम 15 जुलाई की शाम से इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें कला शिविर के रूप में मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिसमें संगीत, नृत्य व अन्य अनेक विधाओं के कलाकारों ने इस युवा महोत्सव में भाग लिया। इसी के कुछ अंश हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से साझा करने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो का आनंद लीजिए। और हम सर से पूछते हैं, सर इसकी परिकल्पना कैसे हुई, उस विषय में ज़रूर कुछ बताइएगा। भारत भवन में इस वर्ष अभी हम लोगों ने 15 से 21 तारीख तक एक अनूठा आयोजन संकल्पित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश जो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, उसकी रचनात्मकता को और रचनाकारों को प्लेटफॉर्म देने का एक बड़ा अवसर बनाया है, जिसमें संगीत से, नृत्य से, साहित्य से, कविता से, लोक नृत्य, लोक गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक, सिरेमिक, सारे ही कला माध्यमों के युवाओं को यहाँ बुलाया गया है और वो सब अपने अपने माध्यमों में काम कर रहे हैं। उसी के साथ ये भी किया गया है कि इन्हीं सारी विधाओं के जो सीनियर लोग हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश के आर्ट सीन के बारे में, मध्य प्रदेश के ट्रेडिशन के बारे में, मध्य प्रदेश के अतीत और भविष्य के बारे में, उसके कला के संदर्भ से चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो रोज़ सुबह इन सारे विषयों पे बहुत ही गंभीर और विचार उत्तेजक चर्चाएँ हो रही हैं, सारे माध्यमों में सृजन हो रहा है और शाम को सारे माध्यमों का प्रदर्शन भी हो रहा है। सारे जो पार्टिसिपेंट हैं और देश भर के और लोग भी हैं, उन सब को इस आयोजन को जुड़ना चाहिए या इस आयोजन के बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम यहाँ इस दृश्य से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ गोंड चित्र शैली में चित्रकार अपने काम को एक रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस प्रकार भारत में अनेक जनजातीय कलाएं जो विकसित हैं, उसमें एक गोंड शैली भी मानी जाती है, जो पारंपरिक शैली के आधार पर ट्राइबल आर्ट को देखा जाता है। तो इस तरीके से इस आयोजन में समकालीन व ट्रेडिशनल दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया है, तो जिसमें कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, जिसमें हम समकालीन कलाकृति से लेके जो ऐतिहासिक व प्रागैतिहासिक कालीन चीज़ें, या हम ऐसे कह लें कि ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ कई सारे जगह से कलाकार आए हुए हैं। मनोज विश्वकर्मा जो जबलपुर से हैं, वो अपने काम को एक रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह अलग अलग जगह से जो युवा कलाकार इस कैंप में आए हैं, उसका एक अलग महत्व है। क्या होता है, जैसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कलाकारों से, अलग अलग विधाओं में काम करने वाले विभिन्न कलाकारों से जब मिलते हैं, तो उनके बीच में एक संवाद होता है। उस संवाद का अवश्य लाभ सभी कलाकारों को मिलता है और इस तरह का आयोजन भारत भवन हमेशा करती हुई आई है, तो जिससे युवा कलाकारों में एक उत्साहवर्धन ज़रूर होता है। बीच बीच में इस तरह के आयोजन से अलग अलग जगह के कलाकार एकजुट होकर मिलते हैं, इसमें एक तरह अलग तरह की परिचर्चाएं होती हैं, अलग अलग विधाओं में अलग अलग स्टाइल में काम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें बीच बीच में होना ज़रूरी है और ये भारत भवन लगातार इस तरह के आयोजन करता हुआ आया है। और ये सिर्फ अभी से नहीं, जब से स्वामी जी से थे तब से ही ये सब चीज़ों का आयोजन होता आया है और उस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस तरह के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। तो यहाँ फिर से वही ट्रेडिशनल वर्क हम देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ यहाँ कंटेम्प्रेरी वे में कुछ मिक्स मीडिया में व कुछ अलग तरह के काम अपने को देखने को यहाँ मिल रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग विधाओं में जो काम करते आए हैं व कर रहे हैं,
उन सब चीज़ों को एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे भारत भवन में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। और इस तरह का जो प्रोत्साहन युवाओं में एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का, जो संचार करने का जो एक माध्यम है, इस तरह के कैंप से लगातार ये ऊर्जा संचारित होती आई है और जिससे युवाओं में एक अलग तरह का जोश देखने को मिलता है। और यहाँ रोहित जोशी अपने काम को करते हुए, और आप देखेंगे कि एक जो ट्रेडिशनल वर्क और कंटेम्प्रेरी वर्क दोनों को आजू बाजू में देखना व उसका आनंद लेना, वो कितना अलग एक अनुभव है। यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी वे में काम किया जा रहा है, तो इससे एक अलग तरह का एक डेवलपमेंट उन ट्रेडिशनल कलाकारों को भी मिलता है जो कि आज के समय में कंधे से कंधा मिलाए एक दूसरे को साथ में इस फील्ड को आगे ले जाने की जो एक प्रक्रिया है, ये लगातार इस तरह के आयोजन से होता है। और हम निरंतर चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन भारत भर में, हर स्टेट में, अलग अलग जगह पे जो भी छोटी बड़ी संस्थाएं हैं, इस तरह के आयोजन करें जिस वजह से दूसरे कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो इससे एक चीज़ है जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस तरह के आयोजन से एक अलग समावेश, एक अलग आयाम प्राप्त होता है। यह सनी मालवतकर का चित्र है जो कि आपने शुरू में भी देख चुके हैं। तो यहाँ लगभग 15-20 कलाकार हैं जो इस जगह पर अभी हाल फिलहाल काम कर रहे हैं। साथ में ये अनूप श्रीवास्तव का चित्र आप देख रहे हैं और दूसरे कलाकार जो ग्राफिक्स स्टूडियो में काम कर रहे हैं उनके चित्र भी हम ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं उन्नति शुक्ला पेपर कटिंग के ज़रिए जो उनका एक इंडिविजुअल स्टाइल है उसको वो डेवलप करती हुई और एक काम को एक रूप देती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ रजनी का काम बहुत ही खूबसूरत है, जो रंगों का एक अलग तरह का रंग जो ये इस्तेमाल करती हैं और ये बहुत ही मन को मोह लेने वाले कलर हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ लोकेश नायक ने, जो कि इन सब फुटेजेस के लिए उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने जो ये काम किया है स्वामी जी का एक पोर्ट्रेट लेकर, बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट है। मेरे ख्याल से ये भारत भवन में दूसरी तीसरी बार किसी ने इनका चित्र, इनका पोर्ट्रेट को बनाया है जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं, ये तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने कहा है लोकेश को खुद ही, और ये लोकेश के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ के जो लोग हैं पुराने, जो स्वामी जी के साथ उस समय रहे हैं, उन लोगों का भी अनुभव लोकेश को वहाँ जानने को मिला। और लोकेश को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं सिरेमिक विधा में जो भी कलाकार काम कर रहे हैं वो अपने कलाकृतियों को एक रूप देते हुए, क्योंकि ये 4-5 दिन के शिविर में इस तरह के काम को करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह एक तो मिट्टी और उसको सूखना व उसकी ग्लेजिंग, फायरिंग, इन सब चीज़ों में बहुत सारा समय जाता है। तो जो इस विधा को बहुत अच्छे से जानते हैं वो इस मिट्टी के नेचर को भी जानते हैं कि इस तरीके से इसको सुखाया पकाया जाता है। तो यहाँ रंगारंग कार्यक्रम के तहत इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और इस वाद्य यंत्र की प्रस्तुति के साथ जो प्रोग्राम 15 से 21 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था, उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने इसका आनंद लिया होगा भोपालवासी, बट हम ये वीडियो के माध्यम से आप सभी से थोड़ा जो भी अंश इस वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन भारत भवन लगातार करता आया है, मैं जैसे कि शुरू से कहता रहा हूँ। और जब हम भोपाल में थे तभी भी इस तरह के आयोजन लगातार होते रहते थे, तो हम लोग ग्राफिक्स स्टूडियो में खूब जब काम करते थे उस समय इस तरह के आयोजनों से हम लोग शाम को जब हम घर निकलते थे तब इस तरह के आयोजन में हम उपस्थित होते थे। और यहाँ वाटर कलर के माध्यम से बहुत अलग तरह का एक काम हम देख रहे हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ ग्राफिक स्टूडियो में ड्राइंग किया जा रहा है और हम जो एक कलाकार की एक पद्धति है, एक तरीका है, उसको हम दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग विधा के कलाकार जब आप लोगों ने देख ही लिए हैं कि किस तरह के काम
यहाँ हो रहे हैं इस शिविर में। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल कलाकार, कंटेम्प्रेरी कलाकार, सभी कलाकारों का मेल जोल से ही इस कला जगत में एक नया मुकाम खड़ा किया जा सकता है कला के क्षेत्र में। तो यहाँ अनूप श्रीवास्तव अपने काम को एक अलौकिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करते हुए आप देख रहे हैं, और इनके रंगों को जो सामंजस्य होता है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह के चटक रंग को लगाना इतना आसान नहीं होता। तो और ये जो हम देख रहे हैं अभी, इस तरह की पद्धति को ग्राफिक्स आर्ट में लेयर वाइज लेयर बहुत सारा काम होता है प्रिंटिंग में। तो जो कला के क्षेत्र में हैं वो लोग तो ज़रूर इस पद्धति से वाकिफ होंगे, पर जो दूसरे व्यूअर्स हैं जो कला के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि ग्राफिक्स प्रिंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पिछले एक दो इंटरव्यूज़ में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो श्याम शर्मा सर हैं, उन्होंने बताया कि अगर ग्राफिक्स करना है तो उसके लिए प्रिंटिंग मशीन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो यहाँ सनी मालवत्कर को हम कार्य करते हुए देख सकते हैं, और इनके पेंटिंग में बहुत तायत में कलर का समावेश होता है। ये अमूर्तन में काम करते हैं, और यहाँ लगभग जो कामों का एक सिलसिला है वो अपने अंतिम चरण पर है, और सभी कलाकारों ने बहुत खूबसूरत काम किए हैं। तो इस तरह के आयोजन का जब भी भोपाल वासियों को या भोपाल में जो लोग हैं उन लोगों को जब पता चले तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि लाइव चित्रों को बनाते हुए देखना ये एक अलग अनुभव होता है। और ये जो जगह है इसकी तो बहुत बड़ी मिसाल है, ये एक भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला मध्य प्रदेश। स्वामी जी इसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे। सामने उधर जो देख रहे हैं ग्राफिक स्टूडियो, इधर रूपंकर, और इस ग्राफिक स्टूडियो में हो रहा है ये काम, और मेरे ख्याल से सूखने का इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ प्रिंट के साथ भी एक बड़ी समस्या होती है कि उसको सूखने के बाद ही उसमें दूसरा लेयर लगाया जाता है। तो इस तरह के अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग जो टेक्निक है, स्टाइल है, उसमें काम करने का, प्रिंट मेकिंग का जो प्रोसेस है बहुत रहस्यमयी प्रोसेस है, कि उसको पहले प्लेट पर ड्राइंग करना, उसको एचिंग करना, फिर उसको उसके माध्यम में कन्वर्ट करना, और अंत में प्रिंट निकालना। तो इन सब कामों के साथ जब उसका फाइनल प्रिंट आउट आता है तो एक अलग तरह का एक आर्टवर्क आपके सामने होता है। तो अब हम देख रहे हैं लोकेश नायक अपने चित्र को फाइनल स्टेज पर ले जाते हुए और इसकी डिटेलिंग करते हुए लोकेश हमें दिख रहे हैं। और लोकेश को हम तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकेश ने अपने काम के बीच में से इतना सारा फुटेजेस निकाल कर, इतना सारा शूट कर वो हमारे इस वीडियो के लिए भेजा, ताकि दूसरे जो पूरे भारत भर में व अन्य जगह पर बैठे हुए कला रसिक हैं, मित्रगण हैं, वो लोग इस कैंप का कुछ दृश्य, कुछ पल का आनंद ले सकें। तो इसके लिए हम लोकेश को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लोकेश का काम जो है बहुत ही खूबसूरत है, उसके जो दूसरे काम हैं वो भी आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम व फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं। दूसरे सभी कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट से पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, और इस तरह के आयोजन के आप लोग आनंद उठाते रहें। नमस्कार।